फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं डॉक्टर नौशीन आपका स्वागत करती हूँ आपके ही अपने चैनल में। दोस्तों, विश यू वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों, ये नया साल आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाए और आपका और हमारा साथ यूँ ही बना रहे। दोस्तों, मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ 28th नंबर बैच फ्लावर स्क्लेरेंथस के बारे में। दोस्तों, स्क्लेरेंथस इज अ इनडिसीजन मेडिसिन, मीन्स ये डिसीजन नहीं ले पाता। एक ऐसा इंसान, मस्त मौला इंसान, खुश मिजाज इंसान, कभी खुशी कभी गम में रहने वाला इंसान। आपने बहुत सारे है ना मस्त लोग देखे होंगे ना, बस यार कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, मतलब टाल मटोल करने वाला इंसान। जी हाँ, ऐसा ही इंसान है स्क्लेरेंथस। दोस्तों, स्क्लेरेंथस ऐसा इंसान है दोस्तों, उनको ऐसा लगता है कि उसका माइंड एक पेंडुलम की तरह है। दोस्तों, जब भी कोई डिसीजन लेने की बात आती है ना, तो वो डिसीजन नहीं ले पाता। दो विकल्प उसके सामने होंगे ना, अल्टरनेटिव, यस नो, मैं भी करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ। तो उसको ऐसा लगता है कि माई माइंड इज स्विंग लाइक ए पेंडुलम, मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा एक शोर मचा हुआ है, रेस्टलेस सी है, तो वो डिसीजन नहीं ले पाता। तो ऐसे में स्क्लेरेंथस मेडिसिन जो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो उनको डिसीजन लेने में मदद करती है स्क्लेरेंथस मेडिसिन। दोस्तों, अनुदम जो स्क्लेरेंथस मेडिसिन बहुत अच्छा रोल निभाती है दोस्तों, फीमेल के केसेस में बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट मेडिसिन। स्क्लेरेंथस पेशेंट दोस्तों लेट लतीफ़ होता है, मैंने आपको बताया दोस्तों। तो ऐसे में जिन फीमेल की प्यूबर्टी लेट आ रही है, नॉट ओनली फीमेल, जिस भी मेल की भी प्यूबर्टी लेट आ रही है, बहुत ज़्यादा एज हो गई है उनकी, तो प्यूबर्टी लेट में प्रॉब्लम में स्टिक करती है स्क्लेरेंथस। जिसके पीरियड में प्रॉब्लम हो रही है, मेंसेस इररेगुलर हो रहा है, मेंसेस लेट आ रहे हैं, तो उन को ठीक करने में मदद करती है स्क्लेरेंथस। जो कंसीव नहीं कर पा रही, कंसीव लेट हो रहा है, तो ऐसे में मदद करती मेडिसिन स्क्लेरेंथस। दोस्तों, ये हुई फीमेल की बात। अब ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है दोस्तों स्क्लेरेंथस। जो आप उनसे कहते हो, आपकी आप अपने बच्चे से बोलते हो, पढ़ ले पढ़ ले, मम्मी कल पढ़ लूँगा, परसों पढ़ लूँगा, परसों तो पढ़ ही लूँगा, नहीं पढ़ता नहीं पढ़ता वहीं पढ़ता। डोंट फोकस ऑन स्टडी, स्टडी में फोकस नहीं है। अगर पढ़ने बिठा भी देते हो तो पढ़ते पढ़ते सो जाता है। तो ऐसे में फोकस बनाने मदद करती स्क्लेरेंथस मेडिसिन। टाल मटोल किस्म का नेचर किसी का हो ना, आपको बताऊँ, आप कल कर लूँगा यार, परसों तो कर ही लूँगा, वो दिन उनका आते ही है, टालते जाते हैं टालते। तो ऐसे में ये नेचर को ठीक करने का काम करती है स्क्लेरेंथस मेडिसिन। आपका जो बच्चा पढ़ाई में फोकस नहीं कर रहा, तो स्क्लेरेंथस मदद करेगी। आपका बच्चा जो पढ़ नहीं रहा है, टीचिंग उसकी बहुत लेट हो रही है, पढ़ने में ध्यान नहीं है, तो मदद करती है। और ऐसे स्टूडेंट बहुत सारे, मतलब थोड़ा बहुत अगर उन्होंने पढ़ भी लिया जैसे तैसे, पर उनको एग्ज़ाम टाइम पे पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाता है, और जैसे एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलते हैं याद आ जाता है। क्योंकि स्क्लेरेंथस पेशेंट जो दो होता है, इसका ना अप डाउन वाले नेचर होते हैं, कभी खुशी कभी गम। तो ऐसे में ना एग्ज़ाम हॉल में तो सब भूल जाएगा, पर जैसे ही बाहर आएगा ना याद आ जाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स भी अपना फोकसिंग पावर बनाने के लिए स्क्लेरेंथस ले सकते हैं। ये हुई स्टूडेंट्स की बात, फीमेल के बाद स्टूडेंट्स की बात हो गई। और ऐसे में भी जो आपके छोटे बच्चे हैं, जिसके दाँत लेट आ रहे हैं, दाँत सही से नहीं आ पा रहे हैं, तो वहाँ पर भी स्क्लेरेंथस अच्छे से मदद करती है दोस्तों। ऐसे आपके जो बच्चे सही से चल नहीं पा रहे हैं, वॉकिंग लेट प्रॉब्लम, तो स्क्लेरेंथस बहुत अच्छा रोल करती है। ऑल्सो दोस्तों, स्क्लेरेंथस बहुत अच्छा रोल करती है जब लड़खड़ा के चलते हो, आपके मतलब बैलेंसिंग प्रॉपर नहीं है चलने में, तो स्क्लेरेंथस इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन, आपके बैलेंस करने में मदद करती है। और अब स्क्लेरेंथस जॉइंट में कहाँ रोल करती है दोस्तों? जी हाँ, मैंने क्या कहा, उनका उसका नेचर कभी खुशी कभी गम। जी हाँ, अगर आपके जॉइंट पेन के साथ साथ आपको जॉइंट ईचिंग भी होती है, मतलब अल्टरनेटिव सिम्टम होते हैं ना, आपको कभी पेन हो रहा है, कभी ईचिंग हो रही, कभी स्वेलिंग हो रही, तो इस तरीके की समस्याएँ जो प्रॉब्लम्स होती हैं, स्क्लेरेंथस बहुत अच्छा रोल निभाती है। अब स्क्लेरेंथस फीवर में भी बहुत अच्छा रोल निभाती है दोस्तों, कि अप डाउन्स, मतलब कभी आपका फीवर बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, तो ऐसे में स्क्लेरेंथस बहुत अच्छा रोल निभाती है दोस्तों। हर चीज़ लेट करनी है, तो कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत अच्छा रोल निभाती है स्क्लेरेंथस। को मैं जहाँ जहाँ कनेक्ट करना चाहूँ ना, वहाँ वहाँ फिट बैठेगी दोस्तों। मैं सारी BFR मेडिसिन की वीडियो बनाने के बाद बताएं आपको, एक कॉम्बो भी बताऊँगी सारी मेडिसिन का दोस्तों, कि स्क्लेरेंथस जो बहुत अच्छी मेडिसिन है, आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही, इनडिसीजन मेडिसिन, उसको सकता माई माइंड इज स्विंग लाइक ए पेंडुलम, पेंडुलम की तरह घूम रहा है, क्या करूँ क्या ना करूँ, टाल मटोल के सिम का इंतजार, कल तो कर ही लूँगा, आज तो कर ही लूँगा, घुमाता घुमाता रहता, टालता रहता। लेट लतीफ़ इंसान, इस लेट लतीफ़ी के चक्कर में उसकी सारी चीज़ें, आखिर उसको फैसला ले ही लेता है, पर
बहुत लेट लेता है, मतलब बहुत देर कर देता है। तो ऐसी सारे मस्त चीज़ें होती हैं। फीमेल में मैंने आपको बता दी स्क्लेरेंथस कहाँ रोल करती है, कि उनकी प्यूबर्टी लेट आ रही है, मेंसेस इरेगुलर है और कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों में मैंने आपको बता दिया, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे स्क्लेरेंथस को। दोस्तों अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच। बाकी की वीडियो भी जो मैंने बेच फ्लावर से रिलेटेड बनाई है आप उसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।